हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं रिंग्स। तो रिंग्स बनाना बहुत इजी है अगर आपके पास कोई भी नियर बाय स्टेशनरी शॉप है, जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह या फिर आपको थ्रेड्स वगैरह मिलते हैं या इस तरह के कुछ भी डायमंड्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरह के डायमंड्स यूज़ करना, आपने प्लेन डायमंड भी यूज़ करना है, बस उसका जो बैक साइड होना है वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम थोड़े से रिंग्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों से। आप इसमें ग्लू गन यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें फेविकॉल या फेविस्टिक ऐसी कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले रिंग कुछ इस तरह की मिलेगी, आप देख सकते हो। आपने कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करनी है, आपने सिर्फ इसको स्टिक करना है। तो ये रिंग मिलती है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो आपने अपने साइज़ का तार कट करके उसे राउंड बनाना है और फिर उसके ऊपर स्टिक करना है। यूजुअली ये हमें बहुत इजीली मार्केट या कोई भी स्टोर से मिल जाएगी, तो आपने यही लेना है, ठीक है। इस पर हमने ग्लू लगा दिया है और इस पर अब हम लगाएंगे फ्लावर, या फिर आपने फ्लावर लगाना है तो फ्लावर लगाए, या फिर आपको कोई डिफरेंट डायमंड या ऐसी कोई चीज़ लगानी है तो आपने वो लगाना है, ठीक है। इस तरह से रिंग बन जाएगी और काफ़ी ईजी होगी। आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है साइड पर ताकि ये तब तक सूख जाए। अब हम दूसरा बनाएंगे जिसमें हमने फिर ग्लू लगाया, और चलिए हमें पॉम पॉम वाला बना लेते हैं। तो एक पॉम पॉम हमने स्टिक किया, ये फैब्रिक ग्लू है तो ये अच्छी तरह से कोई भी मटेरियल वाली चीज़ों पे स्टिक हो जाता है, तो इसमें हमें ग्लू गन यूज़ नहीं करना है। बट अगर आप वो डायमंड वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपने उसमें ग्लू गन यूज़ करना है। कुछ इस तरह से रिंग हो जाएगी रेडी और ये इस तरह से लगेगी। पॉम पॉम वाली इतनी बेटर नहीं लग रही है, बट रोज़ वाली कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। सो आप इसे मेक श्योर टू लाइक आप भी घर में बनाए और ट्राई करें। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वॉच माई वीडियो टिल द एंड फॉर फर्दर रिजल्ट। एंड नाउ बाय बाय।